जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, एक सकारात्मक माहौल में नकारात्मक रवैया रखना और निराशा के भंवर में डूब जाना, दूसरा नकारात्मक माहौल में भी सकारात्मक बनाए रखना और मुश्किल हालातों में भी राह निकाल लेना। हम हमारे इस खास प्रोग्राम में कुछ ऐसे ही सकारात्मक शख्सियत से आपका परिचय कराते हैं जो हालातों का रोना नहीं रोते बल्कि अपनी सकारात्मक सोच से हालात बदल देते हैं, जो कहते हैं जीने का नाम जिंदगी। आपने अक्सर किसानों की बदहाल हालत देखी होगी, अन्नदाता के आंखों में आंसू और चेहरे पर शिकन देखी होगी, उनकी जार जार जिंदगी के किस्से सुने होंगे। लेकिन आज आपको एक ऐसे किसान से मिलवाएंगे जिसे खेती किसानी ने कमाल की शोहरत दी है, इज्जत दी है, किसानी को लेकर जिसने सोच के अलग तरीके से उसे प्रोफेसर बना दिया है, जिसने संवारी है 125 गांव की तकदीर। मिलिए ऐसे ही हाईटेक किसान से हमारी खास रिपोर्ट में। इस तस्वीर को देखने के बाद पहली नजर में आपको इस तस्वीर के किसी आइलैंड की होने का भ्रम हो सकता है, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे, ये तस्वीर यूपी की है, यूपी में बाराबंकी की। यूपी की राजधानी लखनऊ से 30 किलोमीटर की दूरी पर है बाराबंकी जिला, और बाराबंकी मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर बसा है दौलतपुर गांव, जो पूरी तरह से आइलैंड में तब्दील हो चुका है। हरियाली यहां ऐसी है कि जी बस यहीं का हो जाने को करता है, और इसका श्रेय जाता है राम शरण वर्मा को। आज हम बाराबंकी जिले से लगभग 20 किलोमीटर दूर दौलतपुर गांव में हैं। इस समय हम जहां पे मौजूद हैं, वहां पे एक किसान हैं जो रामचंद्र वर्मा हैं, पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है इनको, और खेती में माहिर हैं। यहां की जो तकनीक है तमाम किसान बाराबंकी को अपनाते हैं और आज जो है खुशहाल भरी जिंदगी जीते हैं। ऐसी क्या तकनीक है रामचंद्र वर्मा जी के पास जो खेती का बहुत ही बड़ा अनुभव है, साथ ही साथ उनसे जो है प्रेरित किसान तमाम उनकी बताए हुए रास्ते पर चलकर और खेती करते हैं। दसवीं फेल रामशरण वर्मा साल 1984 से खेती किसानी कर रहे हैं, और सही मायने में कहें तो खेती किसानी के प्रोफेसर हैं। हाईटेक फार्मिंग की वकालत करने वाले रामशरण की मेहनत सबके सामने है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि जन्नत बस यही है, प्रकृति खुद जमीन पर उतर आई है। खेती तो आज हमारी उम्र करीब 53-54 साल के आसपास है। हमारे पिताजी भी खेती करते थे और हमने भी 1984 से खेती किया, तब हमारे पास हल बैल थे। फिर धीरे धीरे करके हमने खेती शुरू किया, और हमारी जो पढ़ाई थी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, आप समझिए हम कक्षा 8 पास हैं, लेकिन हमारे खेती करने का हमारा एक उत्साह था, एक हमने मन था कि हम कुछ नया करें। रामशरण वर्मा अपने खेतों में हर तरह की खेती करते हैं, उनको बस लगाया नहीं, और फसल चक्र के हिसाब से खेती करने में विश्वास रखते हैं, ताकि कम लागत में ज्यादा मुनाफा और अच्छी फसल की पैदावार की जा सके। फिलहाल रामशरण वर्मा के खेतों में केले की फसल लहलहा रही है। इसके अलावा टमाटर, गन्ना, पपीता, मेंथा, केले के अलावा धान, गेहूं की खेती भी करते हैं और मोटा मुनाफा कमाते हैं। एकड़ केले की खेती 1988 में शुरू की, उसमें केला है, टमाटर है, आलू है, मेंथा। एक हमने फसल चक्र बनाया, जो हमने 4-5 फसलों की अभी आपसे हमने बताया है, जैसे हम केला काट करके आलू लगाते हैं तो हम कोई खाद नहीं डालते, ये एक फसल चक्र का कमाल है। महज 6 एकड़ पैतृक जमीन से खेतीबाड़ी की शुरुआत करने वाले रामशरण आज 300 से ज्यादा एकड़ की जमीन के मालिक हैं, और ऐसा हाईटेक फार्मिंग की वजह से हुआ है।
राम शरण अपने खेतों में नए नए और उन्नत किस्म के बीज बोते हैं और ज्यादा से ज्यादा फसल उगा कर मिसाल बनते जा रहे हैं। हमारे पास जो पैतृक जमीन थी वो करीब 6 एकड़, फिर हमको फायदा हुआ, बहुत बड़े पैमाने पर खेती हो रही है। एक जापानी पुदीना है, इसका तो इंटरनेशनल में कहा जाए, जिसको हम मेंथा कहते हैं। तो ऐसे सब हमारा भी मन था, ये तो हमने शुरू किया 1988 से। तो 1 एकड़ हमने केला लगाया, फिर हमारे गांव के किसानों ने शुरू किया, धीरे धीरे करके आज हम 350 एकड़ पर खेती कर रहे हैं। राम शरण न सिर्फ बाराबंकी में बल्कि पूरे सूबे में बेहद प्रसिद्ध हैं। किसान उन्हें हाईटेक खेती में अपना गुरु मानते हैं। 125 गांव के किसानों ने राम शरण से प्रेरित होकर हाईटेक खेती शुरू की है। दूसरे जिलों के किसान भी राम शरण से खेती के गुर सीख रहे हैं। पहली बार उनसे मिलने के लिए हम सुल्तानपुर से चल के उनसे मिलने के लिए आए हैं। हम चाहते हैं उनसे मुलाकात करें और हम कृषि के बारे में, जैसे केले के बारे में उत्पादन के लिए हम उत्पादन करना चाहते हैं। कितने एकड़ की खेती में आप काम करते हैं? 15 एकड़ खेती में। क्या इसमें कौन सी फसल लगी हुई है? हमारे यहाँ तो मेंथा लगा हुआ है और हम चाहते हैं केला का उत्पादन करें, इनसे जानकारी लें, इसीलिए हम सुल्तानपुर से चल के बाराबंकी आए हुए हैं। हाईटेक खेती के गुर सीखने वाले किसानों को भी राम शरण फसल चक्र के हिसाब से ही खेती करने की सलाह देते हैं। उनका मानना है कि किसान एक बार में कई तरह की खेती करे, ताकि किसी फसल को नुकसान भी हो जाए तो किसान बाकी की फसल से फायदा कमा सके। राम शरण के सुझाव से एकड़ भर जमीन वाले किसान भी लागत से 10 गुना मुनाफा कमा रहे, यानी 25,000 की लागत लगाकर 2.5 लाख की कमाई कर रही है। यदि हम गेहूं चावल की खेती 1 एकड़ में करेंगे तो मुश्किल से 30 से 35 हजार रुपए कमाएंगे, लेकिन यदि हम उसके साथ उसमें 4 तरीके की फसलों की खेती करेंगे, जैसे 1/4 भाग में हमने टमाटर लगा दिया 1 एकड़ के 1000 स्क्वायर मीटर में, तो टमाटर से हमको 50,000 रुपया मिलेगा। फल की खेती का मतलब कुल मिला के हमारा कहना यह है कि यदि हम सब्जी फल या पशुपालन गेहूँ चावल की खेती 1 एकड़ में करेंगे तो हमको 1 से 1.25 लाख रुपए की आमदनी होगी। आसपास के हमारे किसान कर रहे हैं, हमारे पास बहुत ऐसे किसान हैं जिनके पास 1 एकड़ जमीन है, वो 2 से 2.5 लाख रुपया 1 साल में कमाते हैं। अपनी हाईटेक खेती के लिए रामशरण वर्मा को कई मंचों पर सम्मानित भी किया गया है। साल 2007 में केंद्र सरकार ने उन्हें जगजीवन राम राष्ट्रीय पुरस्कार और 2019 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके अलावा भी विश्व स्तर पर उन्हें अनेकों बार सम्मानित किया जा चुका है। रामशरण सिर्फ एक किसान नहीं बल्कि खेती किसानी के प्रोफेसर हैं, जो हाईटेक खेती से खुद का तो विकास कर ही रहे हैं, साथ ही कई और किसानों की जिंदगी भी सवार रहे हैं। अपने अनुभव और अपने हुनर से नया हरित प्रदेश बना रहे हैं, रोजगार के नए नए मौके तलाश रहे हैं। की तकनीक से तमाम जिले के ही नहीं, तमाम प्रदेशों के जो है किसान इनकी तकनीक को अपनाते हैं और आज वो जो है तमाम खेती में जो है पैदावार की बढ़त बनाए हुए हैं और उनका जो है कारोबार ही नहीं, समझ लीजिए उनका जो है परिवार का जो पालन पोषण होता है उसी किसानी पे ही निर्भर करता है और आज वो किसान ज्यादातर खुशहाल नजर आ रहे हैं। बलराम सिंह, चंदन त्रिवेदी, बाराबंकी। इच्छा शक्ति एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो जिस मानव के मन में जागृत हो जाए वो नियति से लड़ सकता है, अपनी किस्मत खुद बदल सकता है। ऐसा करके दिखाया है गरियाबंद के एक किसान ने, जो पेशे से शिक्षक है, मेहनत की मंशा उसके रग रग में है, जो स्वभाव से जिद्दी है और जिद ने ही उसकी किस्मत बदली है। एक शिक्षक के परिश्रम की पूरी कहानी आप भी देखिए। जनरेशन के पूजा है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ये पंक्तियां हैं हिंदी साहित्य के महान कवि रामधारी सिंह दिनकर की।
जिनके प्रसिद्ध काबुखंड रश्मि रथी की इन पंक्तियों ने एक किसान की किस्मत ही बदल दी है। मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है, लेकिन मन में दृढ़ निश्चय होना चाहिए और ललक होनी चाहिए और एक उद्देश्य होना चाहिए। ऐसा ही कर दिखाया है गरियाबंद जिले के किसान अवनीश पात्र ने। कभी यह जमीन बंजर हुआ करती थी, लेकिन मन में एक दृढ़ निश्चय एवं काम करने की ललक ने उसे ऐसा कर दिया कि वो इस बंजर जमीन को उपजाऊ बना दिया। आखिर उसके पीछे वजह क्या थी और कैसे उसने बंजर जमीन को उपजाऊ बनाया, कितनी तकलीफें झेलनी पड़ी होगी और किस तरीके से उन्होंने इस बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के पीछे क्या उनका उद्देश्य रहा है, इनसे मिलिए। ये है अवनीश पात्र, जो पेशे से अध्यापक हैं, लेकिन चर्चाओं में है उनका जज्बा, हौसला, पत्थर को पानी करने की जिद, उसके लिए मेहनत करने का दृढ़ संकल्प, उनकी बागवानी, ये खेती, ये हरा भरा बगीचा, ये लहलाती फसल अवनीश की मेहनत का परिणाम है, उनकी जिद का नतीजा है, जिसे उन्होंने अपने पसीने से सींचा है। ये जमीन कभी बंजर हुआ करती थी, जहां आज बागवानी हो रही है, खेती हो रही है। 2012 से मैंने यहां पर जो है शुरुआत की थी, जो है इस जमीन को जो है तैयार करने के लिए, अच्छी तरह से जो उर्वरक बनाने के लिए, और 2017 के बाद जो है 17-18 से जो है मुझको अच्छे परिणाम मिलने शुरू हुए, और आज की स्थिति में जो है मैं पूरी तरह से इस जमीन में आत्मनिर्भर हूं और मैं पूरी तरह से मिट्टी से संतुष्ट हूं और आज उत्पादन जो है मैं अच्छे से ले रहा हूं। मैंने भी देखा कि जमीन की इतनी ज्यादा उर्वरता विहीन हो चुकी थी कि अब इसमें उत्पादन लेना मुश्किल था, तो वहां पर हमने ये किया कि जहां पर फलदार पौधे लगाने थे वहां पर हमने गड्ढे खोदे और गड्ढे में जो है बाहर की जो है तालाब की सड़ी हुई मिट्टी, अन्य जगह की उर्वरक मिट्टी ला करके हमने डाला और फिर पौधों का उसमें रोपण किया। और गौपालन मैंने शुरू किया और यहाँ पर मैंने गोबर की खाद का जो है प्रयोग करना शुरू किया। जिस मिट्टी को हम समझते थे कि यहाँ पौधों का उत्पादन नहीं हो सकता, आज जो है फलदार पौधे जो है फलों से लदे हुए। ये मिट्टी जो आज सोना उगल रही है, कभी रेतीली हुआ करती थी, यहाँ मक्का और धान के सिवाय कुछ ना होता था। रासायनिक खाद ने धीरे धीरे फसल उगाने की क्षमता को खा लिया तो जमीन बंजर हो गई। मक्के की फसल जब ली जाती थी तो मक्के की फसल में जो है रासायनिक खाद का उपयोग ज्यादा किया जाता है, तो एक तो जो है पानी का बहाव तेज था, रेत की मात्रा थी, और फिर रासायनिक खाद की मात्रा जो है बढ़ते जाने से इस जमीन की उर्वरता बिल्कुल जो है नष्ट हो चुकी थी। और जब मैंने इसमें इस जमीन पे कार्य करना चालू किया तो मैंने भी मक्के की फसल पहले ली जमीन में, तो देखा मैंने कि मक्के की फसल में धीरे धीरे उर्वरक की मात्रा जो है बढ़ते जा रही है, तो मेरे मन में एक बात आई कि एक स्थिति, एक समय ऐसा आएगा कि जब मिट्टी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, तब हमारा झुकाव गया कि किसी भी तरह से जो है मिट्टी को बचाया जाए। तो उस समय मैंने जो है इस मिट्टी को बचाने के लिए जो है जैविक खेती की ओर मैंने कदम बढ़ाया, और जैविक खेती में हमने ये किया कि सबसे पहले जो है इस जमीन को जो है समतलीकरण के लिए मैंने तैयारी की और समतल किया जमीन को, और उसके बाद जो है मैं इसमें गोबर खाद का प्रयोग करके सब्जियों का उत्पादन मैंने लेना शुरू किया। अवनीश को इस बंजर जमीन में हर हाल में बागवानी करनी थी, फसल उगानी थी, और इसके लिए उपजाऊ जमीन बेहद जरूरी थी, लिहाजा अवनीश ने 9 साल पहले मेहनत शुरू की। 5 साल तक खूब मेहनत करने के बाद और जगह जगह से मिट्टी इकट्ठा करने के बाद यहाँ फलदार पेड़ लगाए, और अब अवनीश का न सिर्फ सपना पूरा हो गया है बल्कि अवनीश के जज्बे को भी सराहा जा रहा है। अवनीश पात्र 2012 से मतलब खेती शुरू किया है। उस समय क्या है, मक्का का खेती होता था, सही उसमें कुछ नहीं होता था, वो रेतली मिट्टी का, उसमें मिट्टी डालकर उसमें बहुत से फलदार वृक्ष सब्जी लगाकर वो भूमि को उर्वरा बनाया और बहुत सारे फसल वहाँ पर ले रहा है। अभी वर्तमान में आम है, अमरूद है, और आंवला है, अनार है, ये सभी प्रकार की फसल ले रहा है। साथ में उसको क्या है, इसी परिवर्तन के कारण बहुत से मतलब राज्य मतलब ब्लॉक स्तर से लेकर राज्य स्तर तक बहुत इनाम मिल चुका है, और अभी वो बहुत से मतलब कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं एवं अपने फील्ड को
और मतलब बेहतर बनाने के लिए दूसरे किसानों को भी मतलब प्रेरणा देते रहते हैं। अवनीश के इस बाग में आम, जाम, केला, नींबू, अनार और कई और भी फल पैदा होते हैं। इसके अलावा पेड़ों के नीचे खाली पड़ी जमीन में अदरक, हल्दी, लहसुन और जीवकन की फसल उगाई जा रही है, जिससे अवनीश को मोटा मुनाफा हो रहा है। मेरे अभी फसल में अगर कहूँ तो फलदार पौधों में मेरे पास आम है, नींबू है, आंवला है, चीकू है, कटहल है, इसका जो है मैं उत्पादन ले रहा हूँ। मुख्य जो है फलदार पौधों में मुख्य फसल के रूप में मैं आम और नींबू की फसल ले रहा हूँ, और उसके बाद जो है मेरे आंवला की फसल है, और बाकी चीकू है, कटहल है, ये कम कम मात्रा में है, और इनके बीच में हम सब्जियों का उत्पादन लेते हैं इंटरक्रॉपिंग के रूप में। और जहाँ पर पौधे ज़्यादा घने हो चुके हैं आम के पौधे की और छाया में जहाँ सब्जियाँ अब ले पाना संभव नहीं है प्रकाश नहीं पहुँच पाने के कारण, तो वहाँ पर हम लोग जो है छाया में होने वाली फसल जैसे इस साल से मैंने शुरू किया है अदरक, हल्दी और बड़ी जो मेड़े हैं उसमें हम जिमीकंद की फसल ले रहे हैं। जमीन का जैसा उपयोग किया जा सकता है उसका उपयोग करते हुए हम फसलों का उत्पादन ले रहे हैं। अवनीश सुबह 5 से 9 बजे तक खेतों में मेहनत करते हैं और 10 बजे से शाम 4 बजे तक स्कूल में बच्चों को जिंदगी का पाठ पढ़ाते हैं। स्कूल से लौटने के बाद फिर अवनीश अपने बगीचे की देखभाल में जुट जाते हैं। उनकी गैर हाजिरी में गांव के ही कुछ लोग इस बगीचे की देखभाल करते हैं। लड़कों का मैंने सहयोग लिया, जो कि मेरे तरह से एक तरह से मैं उन्हें मजदूर नहीं मानता, मेरा सहयोगी मानता हूं, और उनको मैंने जो है प्रशिक्षण देना शुरू किया और उनको मैंने खेती के बारे में बताया कि आप इस तरह से कर सकते हो, तो मेरी अनुपस्थिति में वो लोग इसकी देखरेख करते हैं और एक मेरा पूरी तरह से वो लोग आधार हैं कि मेरी अनुपस्थिति में किस तरह से वो लोग जो है यहाँ पर करेंगे। और मैंने उन्हें प्रशिक्षित किया और उसका फायदा मुझे ये मिला कि जो 10 से 4 का मेरा स्कूल का समय है उस समय में ये लोग जो है मेरी खेती की देखभाल करते हैं, और उसके पूर्व जो है सवेरे 5 बजे से जो है मेरी खेती में तैयारी हो जाती है, 9 बजे तक जो है मैं खेत में समय देता हूँ, उसके बाद जो है मेरा स्कूल का समय शुरू हो जाता है। ये सिर्फ एक बगीचा नहीं है बल्कि जिंदगी का सबक है कि जब चाहा हो और कुछ कर गुजरने का इरादा तो राह निकल ही आती है। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गरियाबंद से मनमोहन नेताम के साथ संतोष गंगवार, जनतंत्र टीवी के लिए। आर्थिक तंगी के बावजूद अपने हुनर का बखूबी इस्तेमाल कर रहा है सहारनपुर का एक नौजवान जिसका नाम है अमरीक सिंह। अमरीक सिंह ने कई एयर मॉडल बनाए हैं जो हवा में काफी ऊंचाई तक आसमान में उड़ान भर सकते हैं। आइए मिलवाते हैं अमरीक सिंह से। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जरा हौसलों की इस उड़ान को देखिए, देखिए एक नौजवान के हुनर को, उसके जुनून को, हाथों के करिश्मे को। सच होते हैं उनके सपने जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। जी हाँ, एक आज हम सहारनपुर पहुँच चुके हैं और आज हम आपको ले चलेंगे गंगो विधानसभा के एक गाँव में, जहां पर आपको दिखाएंगे एक युवक की ऐसी प्रतिभा जिस प्रतिभा के कारण वो युवक क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध हो चुका है। भले ही प्रदेश स्तर और देश स्तर पर उसको अभी तक प्लेटफॉर्म ना मिल पाया हो, लेकिन वो ऐसे एयर मॉडल बनाता है जो काफ़ी ऊंचाई तक उड़ान भरते हैं, काफ़ी दूरी तक जाते हैं, जिसकी चर्चा पूरे क्षेत्र में है। आइए ले चलते हैं आपको गंगो विधानसभा में और दिखाते हैं इस युवक से जुड़ी पूरी कहानी, पूरी इस पूरे रिपोर्ट में आपको। महज 24-25 साल का ये नौजवान अमरीक सिंह है जो सहारनपुर के गंगोह ब्लॉक के एक छोटे से गांव बड़गांव में अब तक गुमनामी की जिंदगी जी रहा था, लेकिन एकाएक चर्चाओं में आ गया है। इस चेहरे को आज जिले का हर एक शख्स जानता है, पहचानता है उसके हुनर को और उसके टैलेंट को सलाम करता है। बचपन से हमारे साथ खेले बड़े हुए हैं, हमारा मिट्टी का काम है, हम कुम्हार हैं, हमसे मिट्टी लेते थे, उनके खेल खिलौने बनाते थे, गाड़ी बना ली,
मोटरसाइकिल ट्रैक्टर वगैरह ये वो मतलब बहुत आइटम बनाते थे। उनकी जो है बचपन से ही प्रतिभा जो है बहुत अच्छी रही है, और परिवार के मतलब ऐसे अच्छे ना होने से मतलब परिवार थोड़ा अच्छा नहीं था, इसलिए मैं कुछ पढ़ भी नहीं सके, वरना आज मैं बहुत ऊंचे लेवल पे होते, तो इसलिए उनकी प्रोग्रेस रुक गई। बहुत अच्छी कलाकारी है इनके हाथ में, मतलब भगवान ने इनको गुण जरूर दिया, इतना अच्छा दिया है कि कुछ कह नहीं सकते, लेकिन सरकार की तरफ से इनको कोई सहायता नहीं मिली। तो हमारी तो रिक्वेस्ट है दिल से है जी कि इस बंदे को जो है सुनवाई होनी चाहिए, इसको ऊपर के लेवल तक जाना चाहिए। अमरीक के बनाए यह मॉडल आसमान में बेहद ऊंचाई तक उड़ान भरते हैं। पानी पर तैरते हैं, जमीन पर बुलेट के रफ्तार में दौड़ते हैं, और ऐसा बीते एक दशक से लगातार हो रहा है। अमरीक ने साल 2010 में पहला मॉडल तैयार किया था और अब तक सैकड़ों मॉडल बनाकर वाहवाही लूट चुके हैं। मैं यहाँ पर सन 2008 में मैंने एग्जीबिशन लगाई थी, यहाँ पर हिंदू राष्ट्रीय इंटर कॉलेज से मैंने गंगू से 12th पास किया जी। तो वहाँ पर मैंने सन 2008 में भी, उससे पहले भी मैंने एग्जीबिशन लगाता रहता था। फिर मैंने सन 2010 में मैंने उड़ा के दिखाया था वहाँ पर। वैसे स्कूल में जैसे कि टीचर वगैरह इनाम देते थे, वो तो चलो वहाँ से उस स्तर तो मतलब हुआ जी, तो जैसे कि ब्लॉक स्तर से या मतलब सरकार के वहाँ से मैंने कुछ नहीं अभी तक मिला जी मुझे। कई मॉडल पर अमरीक का काम अब भी चल रहा है। ये देखिए, ये फाइटर विमान का मॉडल है जिस पर बड़ी लगन के साथ अमरीक मेहनत कर रहे हैं, और इस मॉडल को नाम दिया गया है P1 Most 10। ये सर्वो मोटर है, इसको कनेक्ट रिसीवर से करते हैं, इसके साथ रिसीवर आता है, ये रिमोट कंट्रोल है, इसके साथ रिसीवर आता है, तो उससे कनेक्ट करते हैं, जैसे मतलब इसको कमांड देते हैं तो ये मूवमेंट करते हैं, ये तो सर्वो मोटर का कनेक्ट करते हैं, जैसे ये इसको एलिवेटर बोलते हैं जी। ये सेस्ना 170। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि अमरीक बेहद कम पढ़े लिखे हैं, और उसकी वजह है उनके परिवार की माली हालत। एक साधारण परिवार में जन्मे अमरीक 12वीं तक की पढ़ाई कर पाए हैं, और परिवार की जिम्मेदारी को उठाने के लिए पेंटिंग का काम शुरू कर दिया। लेकिन बचपन में जो सपना उन्होंने देखा था, साथ ही उसे भी पूरा कर रहे हैं। इसके अलावा इन मॉडल को तैयार कर अपने हुनर का लोहा भी मनवा रहे हैं। सन 2007 में इनके पापा का रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ था जी, हमारे को जमीन जायदाद नहीं है जी, हम गरीब आदमी और चुनाई का काम करते थे, तो जी उसके बाद में फिर उनका ऑपरेशन होया, फिर यह एंटर करी जी इस बच्चे ने, तो उसके बाद में पढ़ नहीं पाया जी, सारा घर का वजन इसी बच्चे के आ गया जी, तो फिर इनने पेंटिंग का काम शुरू कराया जी। पेंटिंग भी बचपन से ही करता था जी, मतलब पेंटिंग भी मतलब इन्हें किसी से सीखा नहीं जी, ता जी ये मॉडलिंग का भी अपने आप ही मतलब भगवान की वाहिगुरु की देन है जी। हम तो जी सरकार पे ही उम्मीद लगाते हैं, जैसा इसमें हुनर आया तो इसका उभर के बाहर आवे, अपने भारत में मतलब अपनी देश की सेवा करना चाहता है, जो और बच्चों में मतलब इसका जो हुनर है वो और बच्चों में भी जाए, कोई कंपनी ऐसी हो जो मतलब इसे जॉब दे दे जी, हम मतलब हमारे पे कोई जॉब नहीं है जी, कोई जमीन जायदाद नहीं है जी, बस माड़ा मोटा गुजारा ही हो जी। एक मॉडल को बनाने के लिए अमरीक सिंह को 2 से 3 दिन का समय लगता है, और 5 से 7 हजार रुपए का खर्चा आता है। माली हालत ठीक ना होने के बावजूद अपने शौक को जिंदा रखने के लिए अमरीक इसका भी जुगाड़ कर लेते हैं। अमरीक का हुनर उन्हें पहचान तो दिला ही रहा है, साथ ही शौक को जिंदा रखने का उनका स्वभाव ये सिखा रहा है कि जिनके सपने जिंदा हैं, उनकी हस्ती जिंदा है, जिनके हौसलों में जान है उन्हीं की आसमान में ऊंची उड़ान है। किस तरह से जो है अमरीका जो विमान था, जो उनका एक मॉडल बनाया गया था, वो किस तरह से हवाई उड़ान भर रहा था, उसका दायरा जो है वो 1 किलोमीटर तक का है, जो रिमोट कंट्रोल से वो कंट्रोल करते हैं, 1 किलोमीटर तक उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और करीब 100 फीट तक ये उड़ान भरता है। आपने तस्वीरों में देखा होगा किस तरह से जो इनका एयर मॉडल बनाया हुआ था वो जो है उड़ान भर रहा था,
पानी का जहाज पानी में तैर रहा था। तो यानी कि आप देखिए कि किस तरह की प्रतिभा है, एक गांव में छिपी हुई प्रतिभा को अगर देश और स्टेट लेवल पर लेकर आया जाए तो भारत का नाम कहां तक रोशन ये युवक कर सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। कैमरा पर्सन अपने सहयोग के साथ, मैं योगेश आर्य, जनतंत्र टीवी, सहारनपुर। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।